हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रॉल पर। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं हूँ केसकाल घाटी के पास। यहाँ से चालू हो जाता है केसकाल घाटी, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक घाटी है, बस भी आना जाना गली रही है। अरे भाई साहब, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं केसकाल घाटी देखने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा रहा। चढ़ाई करेगी, सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं को होता है। एक तो ओवरलोड माल रहता है, प्लस चढ़ाई में चढ़ाना होता है। हमारी बारी है, इसके ऊपर से चलते हैं। अब घाट में ओवरटेक करना सख्त मना है, क्रमांक 01। अरे तेरी की, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ मैं केसकाल घाटी। आपको यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये देखिए, सूरज देवता हमारे सर के ऊपर है। ये क्यूट से है भाई, मर मर जाएगा यार तू। क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं एक भालू करे नुकसान ट्रक भाई। वो देखो बंदर, छोटे छोटे हैं यार, अतलंग कर दिए रहे हैं भाई। केसकाल घाटी वैसे देखा जाए तो अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है लगता मेरे ख्याल से। बाकी मोड़ बहुत ज़्यादा है ऐसा मैंने सुना था, वो तो आप लोगों को भी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोड़ है, मोड़ क्रमांक 2। ऐ सवास, ये है भाई मोड़, बहुत खतरनाक है। अरे तेरी की गाड़ी अपनी, बहुत ज़्यादा चढ़ाई था भाई। इतना ट्रक नहीं आ रहा है लेकिन जितना आना चाहिए, बड़े बड़े। जैसे चिल्फी घाटी में मैं वीडियो शूट करने के लिए गया था, तो वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ट्रक आते थे। वैसे ट्रक अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। चिल्फी घाटी से थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि चौड़ी है ये। ले 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 ले, आगे बढ़ ले। बताया जा रहा है कि ओवरटेकिंग अलाउ नहीं है, फिर भी तुम कहे कहे क्यों कर रहे हो, खुद तो परेशान हो, दूसरे को ही परेशान कर रहे हो। इधर और चौड़ा किया लग रहा मुझे तो। मोड़ क्रमांक 3, मेरे भाई साहब तो काफी जोश में निकाल लिए। तो
और ट्रक को दिखलाता हूँ मैं कैसे मोड़ रहा भाई साहब, वो देखो इतनी रफा देगा। बहुत खतरनाक घाटी बोलते हैं इसको। हमारे छत्तीसगढ़ में दो घाटी बहुत ज़्यादा फेमस है, एक हो गया चिल्फी घाटी और दूसरा हो गया केसकाल घाटी। मोड़ ज़्यादा है, अभी फोर पे आ गए हैं, मोड़ नंबर फोर। बस एकदम टेढ़े मेढ़े रोड है। यहाँ से थोड़ा व्यू दिखलाऊं तो ये वो ट्रक आ रही है, वो देखो सामने में भी ट्रक आ रही है, वो सामने में है मंदिर। और यहाँ पे व्यू पॉइंट है, लग रहा क्या है तो मंदिर के पास रुकते हैं, दर्शन करते हैं। देखिए ये सब ट्रक वाले हैं जो मंदिर पे दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। जय तेलीन सत्ती माता, जय बंजारीन माता। तो मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। ट्रक आ रही है ऐसे, वहाँ तक पूरी ट्रक उतरते हुए आ रही है, कोई चढ़ाई करते हुए जा रही है तो कोई उतरते हुए आ रही है। चलिए दर्शन कर लेते हैं माता का, बहुत प्यारा सा मंदिर है। तो जय माता दी, हम सब की मनोकामना पूर्ण करे। जय भगवान जी। तो यहाँ पे है माता, आप भी घर बैठे दर्शन करिए। से पूरा घुमावदार रोड है जो ऊपर से आप लोगों को हल्का फुल्का दिखला रहा हूँ, बाकी अभी चढ़ाई और बची हुई है केसकाल घाटी का। ऐसे चढ़ाई करनी है अपने को, बस वस सब जा रही उस साइड। बस आगे बढ़ रहे हैं, अब देखते हैं और कितना बचा हुआ है केसकाल घाटी। मोड़ क्रमांक 5, तेरी की यहाँ पे ज़्यादा घुमावदार लग रहे हैं। ये देखो ट्रक वाले भाई साहब कैसे मोड़ेंगे अब। मोड़ क्रमांक 6 है ये, थोड़ा सा दिखलाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से पूरा मोड़ है जो ट्रक वाले भाई साहब और बस वाले मोड़ते हुए लेके जाते हैं, और यहीं पे इनका असली परीक्षा होता है, सही तरीके से काटना आना चाहिए। बस आ रही है, तो भाई बिड़ू भाई शाबाश। ए भाई मुर्गा लेके जा रहा है, मुर्गी लेके जा रहा है, दोनों लेके जा रहा है।
आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं वेट कर रहा हूँ कि बड़ी ट्रक मुझे नज़र आए तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखला पाऊँ, लेकिन यहाँ पे ट्रक बहुत गिने चुने ही नज़र आ रहे हैं। अभी ये देखो, ये एक ट्रक आ रही है, अभी ये वाला अभी बचा हुआ केशकाल घाटी। अरे भाई साहब कहाँ से काट रहे हैं, ये काटा भाई, हाथ हिला रहा भाई। कार ही कार नज़र आ रहे हैं, ट्रक तो गिने चुने हैं। एक ट्रक आ रही है, देखो उसकी हालत देखो, स्पीड चला ही नहीं पा रहा अगला। एक ट्रक इधर से आ रही है भाई साहब, ट्रैक्टर भी घुसा दे रहे हैं भाई घाटी में ट्रैक्टर। वाह, ये फंसा हुआ है अब, ये सही है भाई। जब दो ट्रक मिलते हैं आपस में तो मोहब्बत होता है। ट्रैक्टर सही है भाई, ट्रैक्टर भाई शबाश। आप भाई साहब काटेंगे जोश में, अरे बाबा। अब हमारी बारी है आगे बढ़ने की, इस ट्रक के पीछे पीछे चलते हैं। एक ट्रक और आ रहा है, हॉर्न का सिंबल दिया हुआ है जगह जगह पे। ये दो ट्रक आ रहे एक साथ, हम लोग जस्ट पीछे है एचपी वाला ट्रक के पीछे, पेट्रोलियम। रोड नंबर 8 तो यहाँ पे सेल्फी वेल्फी ले रहे थे लगता है। अच्छी जगह पे हर कोई सेल्फी लेना चाहता है। झुका ध्यान गई जान, वाह 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 वाह। अभी 9 पे आ गए हैं क्रमांक नंबर। और यहाँ पे दीवारों पे मेंशन किया गया है छत्तीसगढ़ कल्चर को, मुर्गा है, नंदी है, मस्त बना हुआ है। भाई शबाश, क्या व्यू है भाई इस साइड के, अपन भी देखना चाहेंगे इस व्यू को, शानदार है भाई शानदार। एक्चुअल में यहाँ से दिख रहा है भाई घाटी का पूरा नज़ारा, थोड़ा और ऊपर होता ड्रोन होता तो और मज़ा आता देखने में। सही है भाई, अभी हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ से हम लोग आप लोगों को दिखला रहे थे। बस कार ही कार है भाई यहाँ पे तो, वो ट्रक फंसी हुई है वहाँ पे, आपको दिख नहीं पा रहा होगा। एक भाई तो चढ़ा ही नहीं पाए अपनी बाइक को, ऐसी जगह में थोड़ा रिक्सी हो जाता है। देखो कार वाले लोग नहीं देखेंगे तो उड़ा देंगे, तो यही सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। देखो दो दो कार एक साथ आ रहा है, रिक्शी जगह हो जाता है, यहाँ पे खड़ा होना भी अलाउ नहीं होता है, बट फिर भी हम लोग खड़ा हो गए हैं, दिक्कत बढ़ जाती है लोगों की। काट मेरे मिट्टी के शेर, आराम से काट मेरी गाड़ी को, बस टक्कर मत मारना। चलो धन्यवाद भाई, भाई मेरी गाड़ी है वो, कैसे कैसे काट रहे हो भाई तुम लोग, भाई शाबाश। यहीं पर है जो भी है,
सबास यहाँ पे काफ़ी चढ़ा हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, बाकी सही है भाई। केसकाल घाटी मोड़ के साथ साथ पर्यटकों का मनोरंजन करा देता है, सेल्फी लेने के लिए। केसकाल समाप्त हो गया गाइस, तो यहाँ पे केसकाल घाटी हो जाता है समाप्त। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके शहर गांव में इस तरह का कोई घाटी हो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर जल्द एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।